पूरा विपक्ष कांग्रेस के साथ साथ मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मौसमी ने, आपको सुनवाते हैं। दादा क्या वजह आन पड़ी आज आप नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर रहे हैं, क्या नोटिस पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया है? जनरल बिल्कुल पहुंच गया, जमा हो चुके हैं। नो कॉन्फिडेंस हमें मजबूरन लाने पड़ते इसलिए कि ये सरकार अनदेखी कर रही है विपक्ष की सारे मांग को। हम लोग शुरू के दिन से ही यही मांग करते आते हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद आए और सदन के अंदर मणिपुर की बात रखे और मणिपुर को शांत करने के लिए, मणिपुर को लोगों को भरोसा देने के लिए और देशवासियों को अपना तरफ से तसल्ली देने के लिए प्राइम मिनिस्टर एक छोटी से बयान पेश करे और उसके बाद तुरंत हमें चर्चा शुरू करने की मौका दे। लेकिन ये मतलब पता नहीं क्यों इतना आरेपन दिखा रहे हैं ये सरकार, मुझे बड़ा ताजुब महसूस होते हैं। इसलिए मतलब मजबूरन, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को सदन में खींच कर लाने के लिए एक ही हमारे पास औजार बचे हुए है, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो दादा ये बताया जा रहा है गौरव गोगोई वो मोशन मूव करेंगे, नॉर्थ ईस्ट से वो भी आते हैं। हाँ। और दूसरा कितने दल इसमें जो है शामिल हैं, क्योंकि देश की जनता भी आज तक पर ये जानना चाहती है। सारे ऑल पार्टी मीटिंग में फैसला हुई है इसको, आप कहते कि इंडिया और इंडिया की सारे जो मतलब हमारे साथियां है सब मिलकर कल ही हम तय किए थे, तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। सारे ये जरूरत तो है 50 MP की, कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसके लिए जरूरत होता है कि 50 MP जो खड़ा होकर कहेंगे कि हम इनकी समर्थन कर रहे हैं, वो 50 MP हम सब मिलके कांग्रेस पार्टी की तरफ से, DMK की तरफ से, बाकी जो पति है सब मिलके हम करेंगे। तो ये भी कहा जा रहा है, सरकार कह रही है कौन सी बड़ी बात हो गई, 2018 में भी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, मुंह के बल औंधे मुंह गिरा था, तो इसमें आपकी जीत तो होने वाली नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये नहीं सिर्फ जीत या हार, नो कॉन्फिडेंस मोशन ये भी होते हैं ये सरकार सरकार किस तरीके से देश चला रहे हैं इसका उजागर होना भी जरूरी है। इसका मतलब से जीत और हार में नहीं सीमित रहते, हमारे मुद्दा पे मुद्दा क्या है ये बार बार हम लोग ये कहते आ रहे हैं कि मणिपुर की मुद्दा से मणिपुर में सीमित नहीं है, देश में सीमित नहीं है, बल्कि सारा दुनिया में फैल चुके हैं। तो सारा दुनिया में जिस मुद्दे फैल चुके हैं उसका जवाबदेही तो प्राइम मिनिस्टर को ही करना पड़ेगा ना। इसका मतलब ये नहीं कि और किसी का कोई काबिलियत नहीं है, सबका काबिलियत है, हमारे गृह मंत्री उनका भी काबिलियत है, रक्षा मंत्री उनका भी काबिलियत है, लेकिन एक सरकार की अभिभावक होने के नाते ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये जिम्मेवारी आ जाते हैं कि वो हमारे देश की चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो उनको ये सारे मसला को हल करने के लिए सदन के अंदर आम लोगों को कुछ कहे, इसीलिए ना ये प्रस्ताव लाते हैं। इसका मतलब हार या जीत की बात नहीं है, हार जीत नहीं है। हम क्यों अविश्वास करते हैं ये सरकार को, सिर्फ मैं नहीं सारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मणिपुर मिजोरम सब धीरे धीरे ये सरकार पे अविश्वास जता रहे हैं। तो ये अविश्वास क्यों जता रहे, शंका के बल पे नहीं लेकिन मुद्दे के बल पे हम ये सदन के अंदर ये रखना चाहते हैं कि देशवासी पता चले। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अधीर रंजन चौधरी यहाँ पे आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताते हुए कि आखिर क्यों विपक्ष ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ ला रही है। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।